हेलो, टुडे वी विल डिस्कस द कल्टीवेशन ऑफ लूसर्न। लूसर्न को अल्फाल्फा या रिजिका भी कहा जाता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ लूसर्न इज मेडिकाइगो सैटाइवा एंड लूसर्न बिलोंग्स टू द फैमिली लेगुमिनेसी, या हम कह सकते हैं कि फाबेसी। द क्रोमोसोम नंबर इन लूसर्न इज 2n = 32। फर्स्टली वी डिस्कस द सम इम्पोर्टेंस ऑफ लूसर्न। It is regarded as queen of the forage crops. It is also called as green gold of forage crop. Lucerne contains 15 to 20% crude protein with 72% digestibility, 1.5% calcium, 0.2% phosphorus, and high amount of vitamin A, B, and D. Being a deep-rooted crop, lucerne extracts water from the deeper zones of the soil. It can be grown as rain-fed or unirrigated crop in high water table areas. This crop may supply fodder continuously for 3 to 4 years from the same field as perennial crop. Lucerne can also be converted into silage and hay. Now, origin. It is generally believed that lucerne originated in Southwest Asia. Lucerne introduced to India in the year 1900. Southwest Asia इसकी origin है और वहाँ से India में जो है सन 2000 में आया। Now, climate. It is a long day plant and performs well in cooler and dry climate than cloudy, humid and wet conditions. It can also be raised in some regions below sea level as well as elevations of 2500 meter altitude. If the higher temperatures are accompanied with high humidity, the crop suffers drastically. It can also withstand fairly low temperatures. Lucerne can also tolerate drought. Now, soil, bhumi. Lucerne ke liye jo hai kaise soil ki zarurat hai. Lucerne does best on well-drained, fertile, deep loam soils. It cannot thrive on alkaline soils but can be grown on acid soils with liberal application of lime. Now varieties. Lucerne में दो तरह की variety होती हैं, कुछ annual होते हैं और कुछ जो है perennial होते हैं। हमने शुरू में बताया कि ये दोनों तरह की crop है। एनुअल में आनंद वन, आनंद टू, आनंद थ्री, LCC3, LCC5, RCL87 एट्सेट्रा। दूसरा जो पेरिनियल लूसर्न होता है उसकी वैरायटीज में सिरसा 8, सिरसा 9, CO1, IGFRI S244 जिसको चेतक भी कहा जाता है, टाइप 9, IGFRI S54, NDRI सेलेक्शन नंबर 1, RL88, लूसर्न नंबर 9L एट्सेट्रा। तो ये दोनों वैरायटी हो गई एनुअल और पेरेनियल की। नाउ फील्ड प्रिपरेशन। प्लाउ द फील्ड वंस विद ए मोल्ड बोर्ड प्लाउ एंड 3 to 4 times विद हैरो followed by planking each time to secure a firm and fine seed bed. Now, seed and sowing. Seed and sowing में पहला sowing time. Middle of October is the best time for sowing lucerne. Now, seed treatment. Lucerne seed should be treated with Rhizobium melilotii culture
विच हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये दलहनी फसल है तो इसको जो है राइजोबियम द्वारा ट्रीट किया जाता है। हमने पहले ही बताया है राइजोबियम का जो है 200 ग्राम का पैकेट आता है और एक पैकेट जो होता है 10 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होता है। नाउ सोइंग मेथड, तो लूसर्न के बुआई के दो मेथड होते हैं, एक होता है ब्रॉडकास्टिंग और एक होता है लाइन सोइंग। ब्रॉडकास्टिंग में सीड को जो है खेत में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और केयर ये लेनी चाहिए कि हर बीज जो है सॉयल से कवर रहे, ठीक है। और दूसरा होता है लाइन सोइंग। लाइन सोइंग में ड्रिलिंग की जाती है, या तो जो है देसी हल के पीछे करते हैं या जो है सीड ड्रिल के द्वारा किया जाता है। तो जो सीड रेट होगा ब्रॉडकास्टिंग में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है लूसर्न का, और अगर हम लाइन सोइंग करते हैं तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है और बीज जो लगता है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, ठीक है। इसके बाद मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि लूसर्न एक पेरिनियल क्रॉप है तो बीइंग ए पेरिनियल क्रॉप इट इज एडवांटेजियस टू अप्लाई एवरी ईयर 25 to 30 टन्स ऑफ FYM पर हेक्टेयर। हर साल जो है 25 से 30 किलोग्राम जो है, अरे 25 से 30 टन FYM प्रति हेक्टेयर आप जो है लगभग एक महीना पहले खेत में डाल दें। इसके अलावा नाइट्रोजन को जो है स्टार्टर डोज के रूप में दिया जाता है और हम देते हैं 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ये जो स्टार्टर डोज नाइट्रोजन दी जाती है ये प्लांट की नोडुलेशन होने के पहले तक नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है और उसके बाद जब नोडुलेशन हो जाता है तो पौधा अपने आप जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेयर से करता रहता है। इसके अलावा लूसर्न को 60 से 75 किलोग्राम फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से लूसर्न में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे बोरान, आयरन, जिंक, मैग्नीज, इन सब की भी कमी जो है कुछ भूमियों में ऑब्जर्व की गई है। बोरान डिफिशियंसी में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उस पे पेल येलो स्पॉट्स बन जाते हैं और उसको कहा जाता है एक डिसऑर्डर जिसको हम जानते हैं लूसर्न येलो के नाम से। लूसर्न येलो डिसऑर्डर को दूर करने के लिए हमें 0.2% बोरैक्स का यूज़ किया जाता है। बोरैक्स का जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वाटर मैनेजमेंट की, सिंचाई प्रबंधन। लूसर्न टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू इस्टेब्लिश एट अर्ली स्टेज, ज़्यादा समय लगता है इसको इस्टेब्लिश होने में, इसलिए वेरी फ्रिक्वेंट इरिगेशन में बी रिक्वायर्ड एट एन इंटरवल ऑफ 7 to 10 डेज। लेटर ऑन दिस इंटरवल में बी एक्सटेंडेड टू 20 to 25 डेज। ड्यूरिंग समर इंटरवल ऑफ इरिगेशन शुड बी रिड्यूस्ड टू 15 to 20 डेज। गर्मियों में 15 से 20 दिन पे अंतराल पे सिंचाई की जाती है। इस तरह से लूसर्न क्रॉप को एक साल में लगभग 15 सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक चीज़ हम यहाँ पर और बताना चाहेंगे कि जब भूमि में ऑप्टिमम मॉइस्चर होता है तो लूसर्न की पत्तियों का रंग लाइट ग्रीन होता है, लेकिन जब भूमि में मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो लूसर्न की पत्तियों का रंग जो है डार्क ग्रीन हो जाता है। एंड दिस इज द स्टेज फॉर इरिगेशन, और इसी स्टेज पर लूसर्न की सिंचाई करना जरूरी होता है। नाउ वीड मैनेजमेंट, लूसर्न टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एंड गिव्स स्कोप फॉर वीड ग्रोथ अप टू द टाइम ऑफ फर्स्ट कटिंग। इफ क्रॉप इज सोन इन लाइंस वीडिंग एंड होइंग बिकम ईजियर, लाइन में बोते हैं तो वीडिंग आसान हो जाती है। फर्स्ट वीडिंग शुड बी डन 20 to 25 डेज आफ्टर सोइंग। द मोस्ट हार्मफुल वीड
इन लूसर्न इज डोडर, जिसको कि हम कसकुटा भी कहते हैं। द डोडर प्लांट्स शुड बी केयरफुली रिमूव्ड अलोंग विद होस्ट प्लांट एंड बर्न्ड। नाउ हार्वेस्टिंग, कटाई, लूसर्न की कटाई। द फर्स्ट कटिंग शुड बी टेकन 50 to 60 days आफ्टर सोइंग एंड सब्सिक्वेंट कटिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 20 to 30 days when crop attains the height of 60 cm from ग्राउंड लेवल। कहने का मतलब जब जमीन से फसल की ऊंचाई 60 cm की हो जाती है तो 20 से 30 दिन के अंतराल पर कटाई करते रहते हैं, और ध्यान ये देते हैं कि पहली कटाई जो है 50 से 60 दिन बाद जो है की जाती है। नाउ यील्ड, उपज। क्रॉप में यील्ड अबाउट 800 to 1000 quintals ऑफ ग्रीन फॉडर एंड 1.75 to 2.5 quintal ऑफ सीड पर हेक्टेयर। दिस इज ऑल अबाउट पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ लूसर्न। स्टूडेंट्स, इफ एनी क्वेरीज यू कैन कॉल मी। थैंक यू।